स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के बीसी गुरु में और मैं हूं मुनीश, हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम भिन्नों पर आधारित मिश्रित प्रश्नोत्तर हल करेंगे, सीखेंगे। पिछले वीडियोज में हमने संभिन्न, विषमभिन्न, मिश्रभिन्न, संभिन्नों में समान हर वाली भिन्न, असमान हर वाली भिन्न, इनके जोड़ को हमने सीखा है, इनके घटाने को सीखा है, इनके गुणा को सीखा है। मिश्र भिन्न में समान हर वाले, असमान हर वाले, और ऐसे ही विषम भिन्न में समान हर वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना, गुणा, इस तरह से। तो आज कुछ प्रश्न हम लेते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही ये वीडियो आपके समझ में आएगा। तो चलिए, एक प्रश्न है, छोटा सा ही प्रश्न है, इसको करने का हम प्रयास करेंगे। एक प्रश्न है, इसको प्रश्न पहला है कि भिन्न 5 की तुल्य भिन्न है, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है 5/3, दूसरा है 3/3, तीसरा है 5/5 और चौथा है 6/10, ठीक है। तो इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियोज में समतुल्य भिन्न आपको पढ़ाई है, पढ़े हैं हम लोग समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न हमने आपको ये भी बताया था समतुल्य भिन्न में, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। आज हम यहाँ चर्चा करते हैं कि इस 3/5 की तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न, इसकी हम चर्चा करेंगे। समतुल्य भिन्न, ठीक है। तो पहले तो हमको शब्दों का अर्थ ज्ञात होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे कि 3/5 जो है भिन्न, 3/5 इसके समतुल्य भिन्न हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हमने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत जब गुणा करेंगे तो बहुत सारी समतुल्य भिन्न आपको मिल जाती हैं। जैसे ये ले लेंगे, ठीक है, 3/5, ठीक है। अब इसमें इसकी समतुल्य भिन्न हो जाएगी 3/5, ऊपर अंश में भी 2 का गुणा और हर में भी 2 का गुणा, ये हो जाएगी 6/10। एक और इसकी भिन्न देखेंगे, समतुल्य भिन्न इसकी जो होगी 3/5, 3 का गुणा अंश में करेंगे और हर में करेंगे तो ये हो जाएगा 9/15। ऐसे ही 3/5 इसमें 4 का गुणा अंश में करेंगे, 4 का हर में करेंगे तो ये समतुल्य भिन्न हो जाएगी आपकी 12/20। तो इस तरह से समतुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। तो आशा है कि ये आपके समझ में आया होगा। तो आप देखेंगे कि 3/5 की जो समतुल्य भिन्न है इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 6/10 इसकी समतुल्य भिन्न निकल के आती है, क्योंकि ऑप्शन में 6/10 है। अगर 9/15 होता तो हम 9/15 को टिक करते और 12/20 होता तो ये देखिएगा, ये ऑप्शन जो 4th है आपका, ये करेक्ट है इसमें, ठीक है। आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये दरअसल मैथमेटिक्स NCERT का है, और NCERT अगर किसी विवाद की स्थिति में NCERT के क्वेश्चंस और आंसर को ही वो प्राथमिकता दी जाती है, तो हमने सोचा कि आपको NCERT से ही कराते हैं और ये आपके लिए ठीक भी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 3/5, दूसरा प्रश्न है, 3/5 की ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, ऐसी तुल्य भिन्न तो ये प्रश्न हमने लिखा है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन है कि 3/5 की ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश न हो। तो साथियों, जो भिन्न 3/5 है तो 3/5 का अंश 9 कब होगा, जब 3 में 3 का गुणा होगा, ठीक है। तो जब अंश में 3 का गुणा करेंगे तो हम हर में भी 3 का गुणा करेंगे, और ऐसी स्थिति में
ये 9/15 जो है आप देख रहे होंगे कि 3/5 चूंकि यही क्वेश्चन ले लिया है, तो 3/5 के अंश को 9 करने के लिए अंश में 3 का गुणा करेंगे तो उतने ही संख्या का हर में भी गुणा करेंगे। जब ऐसा कर देंगे तो कोई संख्या की मूल प्रकृति पर या मूल वैल्यू पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 हल 3/5 बराबर 3/5 गुणा 3/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 9/5 = 15, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से अब ऑप्शन में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3/5 की समतुल्य भिन्न कौन सी है, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं एक न्यू क्वेश्चन की ओर। ये कह रहे हैं कि बॉक्स के स्थान पर सही संख्या लिखिए, तो इसका फर्स्ट है 2/7 बराबर 8/1 बॉक्स दिया गया है और ये मान आपको ज्ञात करना है। हम देखेंगे क्वेश्चन की मूल प्रकृति देखेंगे, और क्वेश्चन की मूल प्रकृति में हम देख रहे हैं कि ये 2/7 है और यहाँ 8 है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से इस भिन्न के समतुल्य भिन्न लिखने का प्रयास किया गया है और यहाँ इसके अंश में 4 का गुणा है। चूंकि देखिए समतुल्य भिन्न कैसे पता किया हमने, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है। अगर ये समतुल्य भिन्न न होती तो ये बराबर का चिन्ह इक्वल का चिन्ह नहीं होता। तो यहाँ देखेंगे कि 2 की जगह 8 लिखा गया, इसका मतलब हुआ, आप यहीं से कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि 2 में 4 का गुणा किया गया है। तो 2/7 गुणा, जब इसमें 4 का गुणा किया गया तो यहाँ भी 4 का गुणा किया गया है, तो ये भिन्न हो जाएगी बराबर 8/7 = 28 और ये बॉक्स में आप लिखेंगे 28। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में है, एक भिन्न दी गई है, जैसे भिन्न दी गई है 5/9, 30/54। दूसरा, ये पहला है, दूसरा है 2/7, 16/42। ये दो भिन्न ली गई हैं। अब इसमें जांच करना है कि इनकी समतुल्यता की जांच करनी है कि ये दोनों भिन्न समतुल्य हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहला ही ले लेते हैं, इसको हल करते हैं, पहला ले लेते हैं 5/9। 5/9 के समतुल्य अगर 30/54 है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 6 का गुणा करते तो हमको 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया 6। अभी है कि नहीं ये हम बाद में बात करेंगे। अब जब अंश में 6 का गुणा करेंगे तो हर में भी 6 का गुणा करना ही होगा, और इस स्थिति में 6×5=30 और 9×6=54। इसका मतलब है कि ये जो भिन्न है ये इसके समतुल्य है, आप कह सकते हैं। अतः 5/9 के समतुल्य भिन्न 30/54 है, ठीक है। तो इस तरह से भिन्नों की समतुल्यता की जांच आप कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा चलते हैं। एक क्वेश्चन है, यही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 5 और दिया गया है कि 7/10, 3/5, 4, 5/8 को बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, अर्थात क्या कहने का इनका आशय है कि आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। और भिन्नों के आरोही अवरोही क्रम पे हम, हमारा अपना वीडियो जो है वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिएगा, आरोही क्रम में लिखने के लिए हमको करना क्या होगा, देखिए ये अंश है, ये हर है, तो हर को क्या करना होगा, इनका लासा निकालना पड़ेगा, और लासा निकालने के बाद तब जाके हम इसको हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो लासा जब समान हो जाएगा तो क्या होगा कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो सबसे, जो अंश सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा अंश जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी।
ठीक है। तो आगे चलते हैं, लासा निकालते हैं इसका। तो देखिए 10, 4 और 8 का लासा निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 का भाग जा सकता है, 2 5 10, 2 2 9 4, फिर 2 का दे देंगे हो जाएगा 5 1 2, फिर 2 से देंगे तो 5 1 1, तो लासा हो जाएगा 5 2 10 2 2 40, ठीक है। तो लासा क्या हो जाएगा, लासा बराबर 40 हो जाएगा। और हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है, और इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। तो लासा कितना हुआ, 40। अब देखिएगा जब लासा 40 हो गया तो इस संख्या को 40 करना है, तो ये हो जाएगी, इसका हर 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 4 है, यानी 4 का गुणा हो रहा, तो हम लिख लेते हैं 10 × 4 और ये 7 × 4, ठीक है। यानी इसके आंसर हर में 4 का गुणा कर लेंगे। अब यहीं पर आते हैं दूसरी संख्या में, कि ये संख्या है 3/4 और इसमें हर 40 करना है, तो इसके हर में 10 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो वो अंश में भी करना पड़ेगा और हर में भी करना पड़ेगा। फिर ये संख्या है 5/8 और इसका भी हर हमको 40 करना है, तो हर 40 करने के लिए इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो अंश में भी 5 का गुणा हमको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा गुणा 5/5, ठीक। तो ये संख्या हो जाएगी 28/40, 30/40 और 25/40। जब समान हर समान होते हैं, एक प्रॉपर्टी है इसकी, जब हर समान होते हैं तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, ठीक है। तो देखिए बड़े अंश वाली भिन्न कौन सी है, ये है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर दिखता है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटी भिन्न पहले लिखेंगे, तो इसके बाद देखिएगा ये भिन्न बड़ी है, इसके बाद ये है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको थोड़ा सा और नीचे करें, ठीक है। तो ये हो जाएगी कि 25/40, फिर इससे बड़ा ये होगा 28/40 और फिर इससे बड़ा होगा 30/40। तो ये भिन्नों का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो आशा है ये समझ में आया होगा आपके। आगे चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। तो आगे देखते हैं कि 28/40, 30/40, 25/40 की तुलना हम जब करते हैं, तो जब हर समान है तो बड़ी बड़े अंश वाला जो भिन्न होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 25/40 चूँकि इसका अंश सबसे छोटा है तीनों में, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। उसके बाद 28/40 उससे बड़ी होगी और उसके बाद 30/40 उससे बड़ी भिन्न होगी। अर्थात 5/8, 7/10 और 3/4 बढ़ते क्रम में ये भिन्न होगी, अर्थात ये आरोही क्रम में होंगी। आगे एक प्रश्न और है, उसकी भी चर्चा लेते हैं। वो अवरोही क्रम में भिन्नों को पूछ रहा है, तो देखते हैं एक प्रश्न। वो प्रश्न है, क्वेश्चन है 2/3, 1/4, 3/8 को घटता ऑब्लिक अवरोही क्रम में लिखो। ये प्रश्न आता है, या ये आपके जो एग्जाम में प्रश्न आने वाला है वो प्रश्न होगा कि भिन्न 2/3, 1/4, 3/8 का अवरोही क्रम होगा, और चार क्रम आपको दे दिए गए होंगे, तो उनमें से एक क्रम आपको छांटना है। तो पहले ये आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप सही टिक भी लगा पाएंगे और सही गोला काला कर पाएंगे। तो देखिए इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हमको लासा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर को समान की बिना किए हम भिन्नों की तुलना नहीं कर सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा और बता दें कि यहीं पर देखिएगा, इसी भिन्न को अवरोही क्रम में अगर हम लिखते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, तो अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, और घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले इस वाली भिन्न को लेंगे, तो ये भिन्न हो जाएगी, यानी इसको लेंगे तो ये हो जाएगी 30/40, फिर इसको 28/40 और फिर 25/40। इसका मतलब हो जाएगा कि 3/4, 7/10 और 5/8। तो इस तरह से भी इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे।
तो ये हो जाएगा लासा निकालेंगे, तो 3 4 8 का लासा निकाल लें, 3 4 8 का लासा निकाल लें, तो देखिए 4 का भाग दे देंगे तो 3, 1, 2, तो लासा हो जाएगा 4 3 12 12 2 24, लासा 24 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर लासा बराबर 24, क्योंकि बिना लासा ज्ञात के हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो लासा 24 जब हो गया तो ये या इस संख्या को हमें 24 करना है, इसके हर को, तो हर को 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 × 8 और अंश में भी 8 का गुणा कर देंगे। फिर इसी तरह से इसको भी 24 करना है तो 6 का गुणा करेंगे, तो इसके अंश में भी 6 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 8 × 24 3 का गुणा, तो इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, तो ये भिन्न आ जाएंगी 8 × 16 / 24, ये हो जाएंगी 6 / 24, ये हो जाएंगी 9 / 24। हमने आपको बताया कि हर समान होने पर क्या होता है, हर समान होने पर क्या होता है कि जो बड़े अंश वाली जो भिन्न होती है वो बड़ी होती है, उसके बाद जो सबसे छोटे अंश होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर चलने का हम प्रयास करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये भिन्न हमको मिली 16/24, 6/24 और 9/24, यही भिन्न हमको मिली। तो सबसे बड़ी भिन्न ये है, ठीक है, चुगान से इसका सबसे बड़ा है, उसके बाद इसका नंबर है, उसके बाद इसका नंबर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अर्थात 16/24 9/24 > 6/24, ठीक है। अब हमको किस क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है, तो ये घटते हुए क्रम की भिन्न हो गई। तो 16/24 किसकी जगह पे आया है, ये 2/3, तो यहाँ लिख देंगे अतः 2/3 > फिर नंबर किसका आया है, इसका आया है इसका, तो ये है, ये कितनी है 3/8 और उसके बाद भिन्न है 1/4। तो इस ये आपका क्या है, कैसा क्रम हो गया, घटता क्रम यानी अवरोही की अवरोही क्रम हो गया। तो आरोही अवरोही क्रम हम सीख गए, हमने पिछले वीडियोस में ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आगे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। नेक्स्ट है भिन्न को सरलतम रूप में लिखना, भिन्न को सरलतम रूप में लिखना, ठीक है। तो भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है, तो एक एक क्वेश्चन कराते हैं इसके भी। देखिए ये भिन्न ले लेते हैं, 25/35 को 35 रूप में लिखिए, ठीक है। तो इन भिन्न को सरलतम रूप में लिखते हैं। देखिए सरलतम रूप में लिखने के लिए मोटा मोटा कोई आपको ये भी कह सकता है कि देखिए 5 का भाग इन दोनों में जा रहा है, तो 5 × 25 और 5 × 7 = 35, तो इस तरह से आप काट सकते हैं, दिस इंप्लाइज 25/35। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 × 7 = 35, 5 × 25 = 5/7, ये अपने सरलतम रूप में हो गई। मगर इसका हम प्रॉपर तरीका बताएंगे आपको, इस तरह से नहीं किया जाता, समझने के लिए तो ठीक है, मगर इसका एक प्रॉपर वे है, इसका एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे। तो तरीका क्या है कि देखिए अंश और हर का हम मासा ज्ञात कर लें, क्या कर लें, अंश और हर का क्या कर लें, हम मासा ज्ञात कर लें, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम बताते हैं, ये देखिए एग्जाम में आपको यही तरीका अपनाना होगा, ठीक है, मासा नहीं निकालना होगा, मगर हमका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। आप टीचर बन जाएंगे, उसके बाद आप क्लासरूम में जाएंगे, तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, तो आपको प्रॉपर वे तरीका भी आना चाहिए, ये शॉर्टकट आपको आना ही चाहिए। तो आगे चलते हैं,
तो आगे चलते हैं, 25 और 35 का मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर में जो संख्याएं कॉमन होती हैं, जो समान अपवर्तक होंगे उनको लेके उनका गुणा कर लेंगे, तो मैक्सिमम जो संख्या मिलेगी वो उसकी मासा होगी, और वो मासा का अंश और हर में भाग दे देंगे, तो जो बचेगी संख्या वो हमारी क्या होगी, सरलता रूप में होगी। तो 25 ये फैक्टर कर लीजिए, ये हो जाएंगे 1 × 5 × 5, ठीक। और 35 के कर लीजिए 1 × 5 × 7, ठीक है। तो मासा हो जाएगा, जो कॉमन है वही लिया जाएगा, मासा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मासा जब 5 हो गया, तो अब आप देखिएगा कि 5 जो है इसका दी गई संख्या के अंश और हर में भाग देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो अपने सरलता रूप में होगी। तो आप लिख सकते हैं कि संख्या 25/35 को इनके मासा बराबर 5 से भाग देने पर प्राप्त संख्या अपने सरलतम रूप में होगी, ठीक है, रूप में होगी, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, तो देखेंगे, चलिए चलते हैं। तो ये संख्या होगी कि 25/35, इसको 5 से काट देंगे, 5×25, 5×7=35। अब देखिएगा इतना प्रोसेस हमको समझना था, उसके बाद यही प्रोसेस हमारा गया, तो बराबर हो जाएगा 5/7। अतः संख्या 5/7, संख्या 25/35 का सरलतम रूप में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आगे देखिए, हम कुछ क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको। एक भिन्न दी गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/3 से 1/4 और 4 से 5/6 का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये संख्या है, इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे आइए चलते हैं। तो ये देखिए, ये दिया है 3 से 1/4 + 4 से 5/6, हम यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, ये कैसी भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को जब हल करते हैं तो विषम भिन्न प्राप्त होती है, और विषम भिन्न को हम जब जोड़ेंगे तब जाके हमको इसका आंसर मिलेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, 4 × 3 में करेंगे, 4 × 3 = 12 में ये ऊपर वाली संख्या अंश को जोड़ देंगे, ये वाला, तो 4 × 3 = 12 = 13 ये हम पिछले वीडियोज में ये बता चुके हैं, हमारे आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। प्लस 6 × 24 = 2,205 29 29/6, ठीक है। अब इस भिन्नों को हल करना, अब देखिए हम इनके हर की तुलना करते हैं, तो ये कैसे हर हैं, असमान हर हैं, ठीक है, कैसे हर हैं, असमान हर हैं। असमान हर की भिन्न को हल करने के लिए हमको लासा ज्ञात करना होता है, जैसा कि हमने पिछले में बताया है। तो इसका लासा निकालेंगे 4 और 6 का, तो 4 6 का लासा, यहाँ स्पेस है हमारे पास, हम निकाल लेते हैं 4 6 का लासा। तो 2 × 4 = 2 × 6 और 2 × 1 = 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 12, तो ये लासा हो जाएगा 12। तो 12 हमको इसको करना है, तो इसको 12 करने के लिए हम दो तरीके आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इसके दो तरीके हम बताएंगे। एक तो तरीका हम यहाँ बताएंगे, एक तरीका हम यहीं पर बता देते हैं, ठीक है, ये दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम वो तरीका बताते हैं कि लासा कितना हुआ हमारा,
यहाँ लिख लेते हैं बराबर 12, तो आप लिख सकते हैं कि 4 व 6 का लासा बराबर 12, आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको हमें 12 करना है, दोनों हर को 12 करना है, तो दोनों हर को 12 करना है तो ये हो जाएगा 13/4, और 4 को 12 करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा और 3 का अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, प्लस ये हो जाएगा 29/6, 6 को 12 करने के लिए 2 का गुणा इसके हर में करना पड़ेगा, तो अंश में भी 2 का गुणा आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 13/39/12 प्लस 9/18 कैरी 1 और 2/4 = 5 58/12, तो ये संख्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज 12 लासा है, ऊपरी संख्या मिल जाएंगी, तो 8, 19, 16, 17, 17, इसलिए 5, 1, 6, 7, 8, 9 97/12 ये भी है, ठीक है। 97/12 ये आपकी आंसर मिल जाएगा। दूसरे तरीके से हम आपको और बताते हैं, दूसरा तरीका ये है कि ये भिन्न है 13/4 प्लस 29/6, ठीक है। तो इनको हल करेंगे तो लासा 12 हो गया, हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इस तरह से लिख लेना, और 4 का भाग 12 में देंगे, 4 × 3 = 12, ठीक है। 4 × 3 कितना हुआ, 12 हुआ, तो 3 बार गया, तो 3 का गुणा 4 के ऊपर वाले अंश में कर देंगे, तो 13 × 3 = 6 × 12, तो 29 में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा 39/58/12 बराबर हो जाएगा 97/12, ये भी आंसर आपका वही निकलेगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये सब हमने करा दिया है। कल हम आपको एक फिर भिन्न पे ही एक वीडियो देंगे, तो वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि राकेश अपनी आय का 4/9 भाग भोजन पे खर्च करता है, 4/9 भाग किस पर करता है, भोजन पे, और 1/9 भाग आवास पर खर्च करता है, ठीक है। राकेश भोजन व आवास पर आय का कितना खर्च करता है, तो इसमें आय तो दी गई नहीं है, मगर आय उसकी आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। माना राकेश की आय बराबर 1, और जो खर्च है राकेश का वो आप जोड़ लेंगे और उस 1 में से घटा देंगे खर्च को, ठीक है। चलते हैं, माना राकेश की आय बराबर 1, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। राकेश का भोजन व आवास पर खर्च बराबर हो जाएगा 4/9 + 1/9, तो ये हो जाएगा 4×1 = 5/9, ठीक है। तो ये हो गया राकेश भोजन और आवास पर कितना भाग खर्च करता है, तो भोजन और आवास पर कितना खर्च करता है, 5/9 भाग, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ ये पूछा जाता कि उसको कितनी भाग बचत करता है तो आप यहाँ पर लिख सकते थे, चलिए करते हैं। अतः राकेश भोजन व आवास पर 5/9 भाग खर्च होता है, ठीक है। अब आपको ये प्रश्न मन में आ रहा होगा कि इसकी बचत क्या है, तो राकेश की बचत लिख दीजिए, हालांकि पूछी नहीं गई है, तो बचत हो जाएगी 1 - 5/9 बराबर हो जाएगी 9 - 5/9 बराबर 4/9, ठीक। तो आंसर आपका क्या है, ये तो हमने एक्स्ट्रा बता दिया है, आंसर आपका
ये आपका आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, कमला ने खेत के 2/8 भाग की कल और 5/8 भाग की आज निराई की, तो कमला ने दोनों दिनों में मिलाकर कितनी निराई की। तो ये पहले दिन में 2/8, दूसरे दिन में 5/8, ठीक है। तो हल करेंगे हम, कमला ने दोनों को मिलाकर कमला की, ठीक सरल रहेगा कि दोनों दिनों को मिलाकर निराई बराबर 2/8 प्लस 5/8 भाग बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 8 × 2/5 बराबर 7/8, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे और क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो के साथ अटैच कर देंगे, आप हल करिएगा। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक देखते रहिए आस्क एबीसी गुरु, आपका ही अपना चैनल है। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से कहिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मैं मुनेश आपके साथ नए नए वीडियोज़ लेके आता हूँ और आपका मैं ध्यान रखता हूँ। तो आपसे निवेदन है, आप मेरा ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।